अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आदिल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भाई आप ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आदिल भाई क्या दिखा रहे हैं आज? आज मैं आपको अपने शेड का विजिट करवाऊंगा और सारी जितनी भी स्पीसी है मैंने जो चेंजिंग की है शेड में वो दिखाऊंगा। इसके अलावा जो मेरे पास अवेलेबल है अपने व्यूअर्स को देने के लिए वो आपको दिखाऊंगा। जी भाई लग रहा है कि आपने बर्ड्स वगैरह कम कर दिए हैं। जी मैंने काफ़ी बर्ड्स कम किए हैं लेकिन ऐड भी किए हैं। कुछ सस्ते बर्ड्स सेल करके मैंने महंगे बर्ड्स में ऐड किए हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स कम हो गए हैं लेकिन क्वालिटी में मैं चला गया। जी भाई जून की आमद है माशाल्लाह। आपके जो शर्ट है इसका टेम्परेचर बड़ा मेंटेन है, थोड़ा इस बारे में बताएं। अवैस मैंने इसमें स्लो स्पीड जो है ना फैंस लगाए हुए हैं और ये जो कूलिंग पैड है उनके आगे एसी के अंदर ये पंखे होते हैं तो उसकी वजह से ये मेरा 70 बाई 35 का हॉल है और आपके सामने टेम्परेचर बहुत अच्छा है। जी इनके अंदर गैप जो है वो कर दिया। पहले मेरे पास जो जितने केजेस थे के साथ साथ लगे हुए थे और इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा मुझे चेंज जो थोड़ा पसंद है, हर साल जो थोड़ा चेंज पसंद है। अजय भाई मैं चाहूँगा जो आपने न्यू एडिशन की है सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को वो दिखाएं। अवैस भाई ये कुछ फेलोज के पेयर हैं और उसके बाद ये मेरे पास स्प्लिट टू लुटीनो है, ये ग्रीन चिक लुटीनो है, इनकी मेरे पास ब्रीड आई है और ये अलहमदुलिल्लाह इनकी लास्ट ईयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, कुछ आर्टिफिशियल प्राइसेस थी लेकिन इस साल इनकी प्राइसेस काफ़ी कम हो गई हैं लेकिन अभी भी ऑन डिमांड है। और ये भी ये सारे लुटीनोज ही हैं, ये मैंने लास्ट ईयर ऐड किए हैं और इस साल इनको ब्रीड पे लगाया है। इसके बाद मेरे पास सन कनोर का एक पेयर है, ये रेड फैक्टर में है, ये काफ़ी रेड हो चुके हैं और इस पर थोड़ी वर्किंग कर रहा हूँ। और उसके बाद एक मेरे पास पाइप का इसमें वर्किंग कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा इसमें? अभी इसके फिलहाल जो बच्चे हैं वो रख रहा हूँ और इसमें से जैसे ये 4 बच्चे देता है तो इसमें जो एक बच्चा आता है वो बहुत ज़्यादा रह जाता है, उसको फिर फर्दर किसी और से लेके तो इनकी पेयरिंग करके तो इसको रेड फैक्टर में मजीद लेके जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास अवैस भाई ये आप बर्ड दिखाएँ, ये देखें ये पाइप में है, एक जो ये फुली जो है ना येलो है बर्ड ऑलमोस्ट, ये मैंने ऐड किया है। और इसके अलावा येलो रिंग है, ख़त्म कर दिया सारा, 2-3 पेयर बच्चे हैं ब्रीडिंग पेयर भी अंडे बच्चों से दिखा के सारे सेल कर दिए। और उसके बाद मेरे पास अमेजोन्स हैं, उनकी ब्रीड अलहमदुलिल्लाह आ रही है, मकाओ की ब्रीड आ रही है, वो चले मैं आपको दिखाता हूँ। आदिल भाई आगे जाने से पहले थोड़ा हमें ब्लू टर्काइज और सनचिक के बारे में बताएं। काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड थी और प्राइजेस वगैरह हाई थी लेकिन एक ही दम कम हो गई। लास्ट ईयर 2.5-2.5 लाख का पेयर था और अभी इस टाइम जो है वो अराउंड 1 लाख का पेयर हो गया है बच्चों का DNA के साथ। मैंने इस साल जो काफ़ी पेयर दिए हैं तकरीबन 1-1 लाख का पेयर और जो ब्लू टर्कॉइज है उसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है तो वो तकरीबन 60,000 का ब्लैक फिट और तकरीबन 50,000 से 40,000 का जो है वाइट फिट में है। ये सारे जितने भी लगे हुए हैं मेरे पास सारे किनोर ही हैं और ये मून चिक का एक पेयर है और इस तरह ये मैंने तकरीबन मेरे से काफ़ी इसमें से देखें कुछ केजेस आपको खाली लग रहे हैं। मेरे से किसी ने भी कोई ब्रीडिंग पेयर मांगा मैंने दे दिया, उसकी वजह यह है कि ये बर्ड चूँकि इनकी प्राइसेस नॉर्मल है, ये मैंने अपने घर की ब्रीड रोक के ही इनको बढ़ाया था लेकिन ये कि अभी मेरा जो रुझान है ज़्यादा वो ये है कि एग्जॉटिक की तरफ है। इंपोर्टेड बर्ड में जितने एक्सपेंसिव है, जैसे मेरा प्लान है अभी मेजर मिशलन लेने का और कॉकटूकल है और उसके बाद मेरा प्लान है अभी मैंने रिसेंटली मकाओ में कुछ ऐड ऑन किया है, आगे स्कारलेट का भी प्लान है, स्कारलेट ऐड करने हैं वो मेरे पास नहीं है। ब्लू टर्कॉइज के बारे में बताएं थोड़ा, ब्लैक फुट वाइट फुट के बारे में। ब्लू टर्कॉइज में 2 हैं जी, एक ब्लैक फिट और एक वाइट फिट। जो ब्लैक फिट लास्ट ईयर 250 तक का पेयर गया लेकिन अभी इसकी प्राइस है अराउंड 50,000 है वाइट फिट की और ब्लैक चेस्ट की जो है वो ब्लैक फिट की है 60,000 है तकरीबन विद DNA 12 बच्चे। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप छोटे कनोर का? देखिए इनकी जो इससे प्राइस कम नहीं जाएगी, उसकी वजह यह है कि ये मार्केट प्राइस है और मार्केट में स्लो इसलिए है कि अभी फिल वक्त ये ओवरऑल ही सारे बर्ड्स उनकी सेल परचेज रुकी हुई है। और उसके अलावा आपको पता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बर्ड हो जाता है तो इनकी डिफरेंट जो है ये नॉन साइटिस बर्ड है तो ये एक्सपोर्ट होगा या गल्फ में या कहीं पे तो इसकी डिमांड रहेगी, ऐसा नहीं है कि इसकी मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी। और इसकी मार्केट में प्राइस गिरेगी इसलिए नहीं, अब मज़ीद उसकी वजह यह है कि इम्पोर्ट ये होगा नहीं क्योंकि बाहर इसकी प्राइस इन प्राइसेस से ज़्यादा है तो ये लोकल जो कंजम्पशन है वही चलेगी। अब भाई ये भी स्टॉक है, ये फॉर सेल का है कि मेरे पास सारे जो है ना विद DNA किसी में हाई रेड फैक्टर हैं, लोग जो ज़्यादा हाई रेड हैं वो जल्दी ले जाते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा लमसम में ज़्यादा दे दूं, लेकिन ये कि ये इस तरह के जो है ना बर्ड, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है जिन लोगों ने कमर्शियल बर्ड लगाने हैं। ये जो येलो साइडेड है इनकी भी प्राइसेस बड़ी कम हो गई हैं, पाइनएप्पल्स की भी प्राइसेस जो है वो बड़ी कम है। अवैस भाई ये लॉरीज के पेयर हैं, ये मेरे पास तकरीबन 6 पेयर थे, 2 मैंने अंडे बच्चों से उठवा दिए हैं और आगे माशाल्लाह ये ऐसा कमर्शियल बर्ड है कि ये रुकता नहीं है, ये ब्रीड करता ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है। और माशाल्लाह अभी भी अगर आप बॉक्सेस देखें तो इनके साथ जो है बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इनके साथ जो है अभी भी बच्चे हैं। ये ऑलिव लॉरी है और ये जो है ये इनके बच्चे हैं। मैं आपको इनके जो है ना वो दिखाता हूँ। ये वाहिद बर्ड्स हैं जिनकी मैं इनक्यूबेशन भी साथ करवाता हूँ और उसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो भी इनके नीचे से उतरवाता हूँ। ये रेड कॉलर लॉरी है, ये इसके साथ अभी बच्चे हैं और एक बच्चा निकल गया हुआ है, एक निकलने वाला है। और उसके बाद भी ये स्विंसन का है, ये पेयर मोस्टली मेरे पास 3 अंडे देता है और 3 ही बच्चे निकालता है। ये देखें इसकी फीमेल का इशू है थोड़ा सा, इसकी जो चेस्ट है उससे बाल उतरे हुए हैं, लेकिन ये है कि बाकी ये जो 2 पेयर हैं इन्होंने अभी तक मेरे पास ब्रीड नहीं की और अभी जब ये भी ब्रीड करेंगे तो इनको भी जो है मैं सेल कर दूंगा। ये ब्लू अलेक्जेंड्राइन है जी, ये स्प्लिट इनो है। क्या एज है इसकी? ये 1 साल का है, लास्ट ईयर का, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उम्मीद है ये ब्रीड करेगा। ये ग्रीन चिक जो लुटीनो है, इनमें कुछ स्प्लिट्स हैं और ये भी मार्केट में बड़ी हॉट आइटम है। ये 2nd क्लास के बच्चे हैं, ये अवेलेबल है फॉर सेल के लिए जी, ये फॉर सेल है सारे। ये कुछ रेड कनौर के बच्चे हैं और कुछ नॉर्मल सन कनौर के हैं। आपको पता है कि सन कनौर मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। एक बच्चा ये देखें आपको बज़ाहिर जो है रेड फैक्टर नज़र आ रहा है। इसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी रेड वाले? आइडिया कोई नहीं, एक्चुअली मैंने खुद जो ये पेयर लिया था तब ये मैंने 4 लाख का पेयर लिया था, लेकिन अभी तक मैंने इसका कोई बच्चा सेल नहीं किया और अभी इरादा भी नहीं है सेल करने का। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको देखूँ कि ये किस तरह के बनते हैं। ये क्लियर हेड क्लियर टेल वॉयलेट है, इसके भी बच्चे अवेलेबल हैं। ये बड़ा हाई डिमांड बर्ड है और इसके भी बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, वो भी 2 बच्चे हैं। अभी देखें सेल्फ होंगे तो पता चलेगा मेल है फीमेल है। अजय कोबाल्ट और वायलेट में क्या फ़र्क है? कोबाल्ट जो है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, इसका कलर जो है वो वॉयलेट शेड में है। ये किस एज में ब्रीड के काबिल हो जाता है? 2 साल में एडल्ट हो जाते हैं और आफ्टर 3 ईयर जो है ये बिल्कुल जो है ना ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। मेल की ज़्यादा वैल्यू है या फीमेल की? मेल की ज़्यादा वैल्यू है इसमें। डबल येलो हेडेड एमेजॉन है, इसकी फीमेल ने माशाल्लाह एग ले किए हुए हैं और वो बॉक्स में है और मेल जो है ये बाहर बैठा हुआ है। ये भी हाई डिमांड बर्ड है। अदील भाई इसके बारे में बताएं। ये रेड हेड कनौर है, मुझे कनौर चूँकि बहुत पसंद है और मैंने ये 3 साल से रखे हुए हैं, बच्चे खरीदे थे और ये इस साल इन्होंने ब्रीड किया मेरे पास। अरे कितना अरसा आपने बर्दाश्त किया? 3 साल बर्दाश्त किया है। 3 पेयर लिए थे और एक एक्सपायर हुआ है और जो बाकी हैं ये 2 पेयर तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दूसरे पेयर भी ब्रीड कर जाएगा, एक ने ब्रीड कर दी है। अजीत भाई जी जहाँ तक मैंने सुना है जिस भाई के पास भी मौजूद होते हैं कनौर वो ये एक शिकायत करता है कि शोर बहुत करते हैं। आपने नॉइजी बर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नॉइज भी बहुत ज़्यादा है तो ये शोर काफ़ी ज़्यादा करता है। अजीत भाई ये ब्रीड किस एज में करता है? ब्रीड 2 साल में एडल्ट हो जाता है, लेकिन इनको तीसरे साल जाके अभी ये 3 साल का हो गया लेकिन इसने भी ब्रीड नहीं किया। ये दोनों आपस में जो है ये ऑलमोस्ट सेम फेलोज हैं लेकिन इन्होंने ब्रीड नहीं की। अजीत भाई इसके बच्चे अवेलेबल हैं फॉर सेल? नहीं, इनके बच्चे ऑलरेडी सेल हो गए हैं मेरे से। ये जी ब्लू अलेक्जेंड्राइन है और ऑलिव अलेक्जेंड्राइन है, ये सारे जब सेल्फ होंगे फिर इनको सेल करेंगे। क्या एज है इस वक्त इनकी? ये तकरीबन 3-4 महीने के। मैं तब तक अवैस भाई सेल नहीं करता जब तक बर्ड प्रॉपर सेल्फ नहीं हो जाता, उसमें ये कि लेने वाले के लिए भी आसानी होती है। अजय भाई ये ब्लू वाले स्प्लिट हैं या ब्लू एड्रस्ट? नहीं, ये सिर्फ सिंपल ब्लू है, ये स्प्लिट नहीं है जी। और ऑलिव जो है ये इनमें से कुछ स्प्लिट लुटीनो है और कुछ जो है वो सादे जो है वो क्या नाम है ऑलिव है और 1 या 2 स्प्लिट ब्लू है। अजीत भाई ख्वाहिशमंद हजरात कब तक रब्ता कर सकते हैं आपसे? बस जब मर्जी रब्ता कर लें, मैं ये कि अवेलेबल हूँ। मैं एडवांस में कुछ लोगों से बुकिंग भी कर लेता हूँ तो ये डिपेंड करता है कि जो अवेलेबल चीज़ है उसके अकॉर्डिंग फिर उनसे रब्ता कर लें। ये येलो रिंग नेक्स्ट के कुछ बच्चे हैं जी, कुछ वॉयलेट के हैं, वॉयलेट क्लियर है, क्लियर टेल के अवेलेबल है फॉर सेल के लिए जी। ये भी इंशाल्लाह सेल्फ होंगे तो फिर उनको सेल करेंगे। एक्चुअली अवैस मैं कोशिश करता हूँ कि बर्ड को सेल्फ करके सेल करूँ। उसकी वजह ये होती है कि इसकी इतनी एज में ना अगले घर पे जाके बर्ड एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को बर्ड लवर कंसीडर करते हैं। तो हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि बर्ड को प्रॉपर सेल्फ करें, क्योंकि अगले घर जाके श्योरिटी नहीं होती कि बर्ड को फीडिंग ऐसी होगी और बर्ड को ऐसा ही प्रोटोकॉल मिलेंगे जो हम दे रहे हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम बर्ड को प्रॉपर सेल्फ करें और उसके बाद जो है इनको सेल करें। ये भी प्रवेश भाई बस ऑलमोस्ट सेल्फ हैं, सेल्फ करने के बाद इनको भी सेल करेंगे। अभी इनके डीएनए है वो नहीं हुए, इंशाल्लाह डीएनए भी ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन में हो जाएंगे। क्या एज है इनकी? ये तकरीबन 5 महीने के हैं ये बच्चे। अबे भाई आप मेरे से पूछ रहे थे कि इस दफा अंडे की डिमांड बड़ी हुई है। ये देखें कितनी बड़ी फौज है, इसको नेक्स्ट ईयर इनसे अंडे ही लेंगे और इनको सेल करेंगे। अंडों को जो मार्केट में जो लोग अंडे ले रहे हैं उनको क्वांटिटी में अंडे चाहिए होते हैं, तो उनको खूब अंडे बेचेंगे। इस टाइम मेरा अंडा जो है वो उसकी कीमत बहुत अच्छी है, एक पेयर है आपको तकरीबन 30x को दे देता है एक सीजन में। तो अजीत भाई जो अंडे लेने वाले हैं वो बच्चे क्यों नहीं लेते? वो बच्चे इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्सपोर्ट होता है ये, और एक्सपोर्ट में उनके लिए हैंडलिंग जरा थोड़ी ईजी है अंडे की। अजीत भाई मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में अगर कोई बर्ड्स वगैरह एक्सपोर्ट किया जाए तो नामुमकिन के बराबर है जी। अवैस भाई जो ये काम कर रहे हैं इसको लीगलाइज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी जो एक्सपोर्ट है हर बंदा कर सकेगा। और मुझे अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं ज़रूर लोगों तक जो है वो स्प्रेड करूँगा। आदिल भाई ये फॉर सेल है पीस? जी ये भी फॉर सेल है। ये सारे बर्ड्स क्लोज रिंग बर्ड्स हैं और 2022 के क्लोज रिंग बर्ड्स हैं। इनकी जो एग्जैक्ट एज है वो अवैस 16 से 17 महीने हैं, और ये कमिंग सीजन में बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। और ये स्टार्टिंग में मदर फीड पे थे और उसके बाद इनको मैंने जो है हैंड फीड पे पाला हुआ। ये जी ब्रीडिंग पेयर्स हैं, ये इंशाल्लाह कमिंग सीजन में फिर जो है ना ये बड़े छोटे केजेस में चले जाएंगे। अभी फिलहाल इनको फ्लाइट केज में छोड़ा हुआ है। इसके बारे में जाएं। ये ब्लू अलेक्जेंड्राइन है जी, ये एडल्ट मेल है। अजीत भाई मौसम तो बेहतर है लेकिन आपने अभी से इन्हें फ्लाई केज में छोड़ दिया। अवैस भाई मेरे पास जो ब्रीड है ना वो माशाल्लाह बड़ी जल्दी आ गई थी और इसलिए जो है ना मैंने इनको अब रेस्ट पे छोड़ दिया। अजीत भाई कितने क्लच लेने चाहिए इनसे? मैं तकरीबन 3 क्लच लेता हूँ, 3 क्लचेज जो है ना वो बेहतरीन रहते हैं। ये एक ऑलिव स्प्लिट लुटीनो है और दूसरा जो है वो लुटीनो का मेल है। ये पट्ठा है, ये लास्ट ईयर मैंने खरीदा था और इंशाल्लाह जो है ना ये कमिंग सीजन में उम्मीद है कि ट्राई होगा। ये भी बड़ा जी हॉट डिमांडिंग बर्ड है, ये स्पेंगल है और ये मार्केट में बहुत कम है लोगों के पास। ये भी इसकी बड़ी रेयर म्यूटेशन है। अजीत भाई राग म्यूटेशन का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अभी तक तो अवैस भाई बहुत अच्छा है, फ्यूचर किसी ने कोई भी नहीं है, अंदाज़ा ही कोई लगा सकता है। तो मैं प्रेडिक्शन करने में बड़ा जो वो अगर कह लें कि अगर कोई कहे कि प्रेडिक्शन करनी है तो मेरी को प्रेडिक्शन बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कि मार्केट के साथ साथ बस अपने आप को अपडेट अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। अवैस भाई ये बच्चे हैं जो मैंने आपको बताया था रेड किनोर के, मैंने सारे प्रोड्यूस किए हैं और इनमें से ये देखें कईयों के कलर्स बहुत शार्प है, कई बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे वो स्टिक पे बैठा हुआ बर्ड ये वाला, ये देखें बहुत अच्छे कलर में है, बड़े अच्छे कलर निकाल रहा है। तो आगे मैं इन्हीं पर वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि ऐसे बर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएँ कि जो जिस तरह के कलर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये गोल्डन कनूर है जी, ये इस बर्ड की मैं आपको बात बता रहा था कि ये वाइल्ड में इंडेंजर्ड स्पीशी था और ये ब्रीडर्स की हेल्प से वहाँ पे जो है वो बड़ा बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये ब्रीड कर रहा है आपके पास? नहीं, ये मैंने 2 साल पहले बच्चे खरीदे थे, इंशाल्लाह कमिंग सीजन में ब्रीड करेंगे। बल्कि इसकी एक फीमेल भी मुझे रिक्वायर्ड है, अगर किसी के पास हो तो ये व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, इसकी फीमेल मुझे एक रिक्वायर्ड है जी। अवैस भाई ये मकाओस के पेयर हैं और ये माशाल्लाह मेरे पास अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैंने इनको फुली नेचुरल जो है एनवायरनमेंट दिया हुआ है और ये सारे बर्ड जो है ना ये मेरे साथ जो है ना अटैच हैं। इनको ये पैलेट ईटर बर्ड्स हैं और ये देखें अपने आप को माशाल्लाह ये शो करवा रहे हैं आपको। मकाओ की एज का अंदाजा कैसे होता है? ये इसकी आय से होता है। ये बर्ड जो है ना, ये मेरे पास ये तकरीबन 5 ईयर से है और माशाल्लाह ये अच्छी ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास सारे। आइज येलो हो जाती है किस तरह कलर? जी 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 बिल्कुल। ये भी माशाल्लाह मैंने ब्रीडिंग पेयर खरीदा है और ये भी रिसेंटली मैंने ऐड किया है। मकाओ किस एज में ब्रीड के काबिल हो जाता है? अवैस भाई 4 साल का बर्ड जो है ना, ये वाला जो 7 वाला पेयर आपको दिखाया, ये मेरे घर के ही बच्चे थे और इनको मैंने ब्रीड पे लगाया है। माशाल्लाह ये 4 साल के बाद इन्होंने ब्रीड कर दिया और फर्टाइल हुए हैं। अदील भाई, जो शौकीन हजरात हैं जो पेयर वगैरह बनाना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? बच्चे खरीद के पाले, उन्हें बड़ा करें या बड़ा पेयर मार्केट से ले लें? अवैस भाई, जो बड़े पेयर हैं उनकी हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं होता कि उनकी हिस्ट्री क्या है, तो मार्केट में जो कैप्टिव बर्ड्स हैं वो बड़े इजीली अवेलेबल हैं। वो डीएनए के साथ पेयर खरीदें और वेट करें और उसके बाद फ्यूचर में वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है। और किस एज में ब्रीड के काबिल होता है? तकरीबन 4 से 5 साल में जो मकाओ है वो ब्रीड स्टार्ट कर देता है। ग्रीन विंग भी? नहीं, ग्रीन विंग का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वो अडल्ट पेयर ही लिया है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक वो सुनने में यही आया कि 6 से 7 साल में वो ब्रीड के काबिल हो जाता है। अजीत भाई, अगर कोई भाई खरीदता है, हैंड टाइम कर लेता है, 4-5 साल बाद क्या वो ब्रीड के काबिल हो जाएगा? फिर मोस्टली लोग हैं वो सिंगल बर्ड खरीदते हैं और उसके बाद उसका पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन अगर उनका प्लान होता है कि फ्यूचर में वो ब्रीड करवाएं तो उनको चाहिए कि वो शुरू से ही पेयर खरीदें ताकि उनकी बॉन्डिंग आपस में भी अच्छी हो और आपके साथ भी अच्छी हो। अजीत भाई, इसके बारे में बताएं। ये डबल येलो हेडेड अमेजोन मेरे पास एक जो पेयर है, ये उसके बच्चे हैं, ये मेरी होम ब्रीड है। ये मालाकन कॉकटू हैं जी, ये सबसे बड़े जो कॉकटूज हैं वो हैं। काकटू में कितनी इकसाम मौजूद है? इसमें काफी ज्यादा इकसाम है, लेकिन मेरे पास जो है ये कॉकटू का एक सिंगल पेयर ही है। ये ब्रीड कर रहा है आपके पास? जी, ये मेरे पास ब्रीड कर रहा है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ा इशू आया है, इसने ब्रीड नहीं किया, इसलिए इसका मैंने बॉक्स जो है वो टाइमली बंद कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको जो है ना वो ब्रीड पे लगाऊंगा दोबारा। एग्जॉटिक बर्ड के लिए कैसा कितना होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? उसमें फ्लाइट होनी चाहिए। अब देखें, जैसे आप ये मकाओ को देख रहे हैं, ये देखें कैसे ब्रांचेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए कि ये बर्ड एंजॉय कर सकें, एक दूसरे को जो है ना वो थोड़ा सा फ्लाई कर सकें और चीज़ों को एंजॉय कर सकें। अब ये देखें किस तरह जो है ना मैंने इसके अंदर ब्रांचेस लगाई हुई हैं और कैसे इनको काट रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अजीत भाई, काकटू में मैंने देखा ज्यादातर फार्म्स में गया हूँ, वहाँ पर काकटू गंजे होके बैठे हुए थे, अपने बाल वगैरह और काफी बर्ड्स हैं वो स्ट्रेस में जाके उनको ये एक्टिविटी जो है ना वो नहीं मिलती। मैं अपने बर्ड को बहुत ज्यादा एक्टिविटी देता हूँ और आपने मोस्टली बर्ड मेरे देखे होंगे, इनमें फेदर प्रॉब्लम नहीं है। मैं दरख्त कहीं पर भी कटते हैं तो लोग मुझे आस पास के खुद कहते हैं कि आगे ये लकड़ियाँ ले जाओ, दरख्त कटे पड़े हैं। तो मैं सीजन टू सीजन जो है ना वो इन बर्ड्स को तकरीबन महीने में 1-8 दफा फ्रेश जो है जो ब्रांचेस हैं वो ज़रूर ऐड करता हूँ ताकि मेरे जो बर्ड्स हैं वो एक्टिविटी में रहें, क्योंकि तोता जो है इसकी आदत होती है हर चीज़ को चबाना। जी अवैस भाई, आपने शू कवर तो लगा लिए हैं, ये काइंडली SOP का ख्याल रखें, ये इसको भी सैनिटाइज़र लगा लें और ये आप माहौल देख रहे हैं जैसे साफ़ सुथरा रखा हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक्चुअली हर चीज जो है ना वो हमने डिसइंफेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, इसको 24 घंटे के बाद के कोई डिजीज ना आए। तो आपने यहाँ पे टेम्परेचर देख रहा है, एयर कंडीशन चल रहा है और ये कंट्रोल टेम्परेचर है। इसमें हमारे पास डिफरेंट किनोर्स के चिक्स हैं, इसमें जो है ये हमारे पास कुछ कॉकटू के हैं, बच्चे मकाओस के हैं और ये कुछ कनौर के बच्चे हैं और उसके बाद जो है ये भी कनौर, ये बड़ा रेयर जो रेड कैप कनौर, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड किया, मैं इसका जो है बड़ा शौकीन था। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ अपनी ब्रीड। ये मेरे पास ये येलो अलेक्जेंड्राइन के हैं, ये आपको पता है चूँकि बड़ी रेयर ब्रीड है। उसके बाद ये कनौर रह गए हैं, अभी चूँकि सीज़न एंड पे है ऑलमोस्ट, तो इसमें लुटीनोज हैं वो अंदर चले गए हैं, ऑलमोस्ट बड़े हो गए हैं। और इसके बाद सनचिक हैं इसमें और ये मिक्स कलर ज़्यादा। उसके बाद जी मैं YouTube चैनल पे अपने बताया हुआ है मैं फीडिंग किस तरह बनाता हूँ, तो ये मैं अभी आपको फिर बता देता हूँ। उसके बाद ये मैं सारी सिरिंजें जो है ये प्रोफेशनल जो है ट्यूब्स हैं ये यूज़ करता हूँ फीडिंग के लिए। और आप देखें सफाई सुथराई का हर चीज़ का जो हर चीज़ वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट है। फीड हमेशा मैं सारे ब्रांड्स की हैंड फीड यूज़ करता हूँ, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और उसमें यह है कि हर बर्ड के लिए डिफरेंट हैंड फीड है, आपने सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी आपको सूट कर रही है। मैं हमेशा फीड इसमें डालता हूँ और इसमें ठंडा पानी डालता हूँ। एक मैयर करके जो डे फर्स्ट से स्टार्ट होता है फीडिंग का तरीका, एंड तक वही जाता है। इसमें फीड और ठंडा पानी मैयर करके डालता हूँ। और उसके बाद पानी जो है हमेशा फिल्टर्ड या मिनरल वाटर यूज़ करें। उसके बाद इसमें उबलता हुआ पानी डालते हैं कैटल का, और पानी को इसमें डालना है आपने। और स्लो स्लो जो है ना वो फीड गर्म होगी, जिससे फीड के अंदर जितने गुड बैक्टीरियाज हैं जो गुड वाइटामिन हैं वो बर्न नहीं होते। जो लोग डायरेक्ट पानी में फीड डाल लेते हैं, जो उबलता हुआ पानी डाल देते हैं, वो फीड का जो टेक्सचर है वो भी ख़राब हो जाता है और फीड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनती। और उसमें जितने भी वाइटामिन वगैरह और जो अफादियत वाली चीज़ें होती हैं वो सारी बर्न हो जाती हैं, चूँकि पानी उबलता हुआ होता है। तो कोशिश करें कि इस तरह फीड बनाएं। इस तरह फीड बना के आपके जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं सारी फीड्स हैं मेरे पास, सारे ब्रांड्स की पड़ी हुई हैं। और भाई अक्सर एक बात मैं सुनता हूँ मार्केट में, तो जो भाई आए हुए होते हैं हमें फीड वगैरह परचेज करने, वो अक्सर कह रहे होते हैं कि भाई ये हमने फीड इस्तेमाल की थी तो पोटा बंद हो गया था। वो एक्चुअली फीड गलत करवाते हैं, जिसकी वजह से मसला आता है। जैसे देखें अब हाई एनर्जी, अगर सिटाकस ब्रांड की अगर हम हाई एनर्जी फीड लेते हैं तो उसको अगर हम अलेक्जेंड्राइन को करवा देंगे या रिंगनेक्स को करवा देंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हाई एनर्जी की। कुछ लोग समझते हैं हाई एनर्जी ये कि पता नहीं उनमें जान आ जाएगी, वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हाई एनर्जी फीड में ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो छोटे पैरट्स हैं उनको ऑयल कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये मकाओ स्पेशल हैंड फीड है सिटाकस ब्रांड की। तो अगर आप इसी हैंड फीड को यूज़ करेंगे कनोर के लिए तो उनके फेदर्स गिरना शुरू हो जाएंगे, उनको मल्टीपल इश्यूज आएंगे या उनकी क्रॉप ब्लॉक हो जाएगी। तो ये स्पेशली मकाउस के लिए, तो मकाउस को ही करवाएं या अफ्रीकन ग्रे को करवा सकते हैं। तो इन्होंने इसीलिए कैटेगराइज की हुई हैं। और जो सिटाकस ब्रांड है वो ऐसा ब्रांड है कि उन्होंने हर कैटेगरी की डिफरेंट जो है हैंड फीड बनाई हुई हैं, ताकि हर बर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो फीड आप उसको करवा सकें। उसके बाद जी ये फिल्टर्ड वाटर है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे आरओ प्लांट लगाया हुआ है। पहले मैं मिनरल वाटर यूज़ करता था, अब मैं जो है वो आरओ प्लांट है वो, क्योंकि मिनरल वाटर का लाना ले जाना वो ज़रा थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद जी ये इनक्यूबेशन का सेटअप है मेरा, चूँकि सीज़न अभी ऑलमोस्ट क्लोज है, एंड पे है। अभी मेरे पास मकाउस और अमेज़ोन के कुछ एग्ज़ आए हुए हैं, और इनको डिफरेंट मशीन्स में इसलिए रखा हुआ है। लोग स्टैंडर्ड बता देते हैं कि आपने इतनी ह्यूमिडिटी और इतना टेम्परेचर रखना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये पेयर टू पेयर वेरी करता है कि अंडा जो है उसकी कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको आपको चलाना पड़ता है। मेरी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है यूट्यूब पे इनक्यूबेशन पे, क्योंकि ये फिजिकली आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, ना कि आप वीडियो में बताएं। अदील भाई ये छोटे अंडे किस पैरट के हैं? ये स्मॉल किनोर्स के हैं। मैंने जितने भी छोटे किनोर हैं वो भी मैं इनक्यूबेट ही करता हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ फोस्टर पेयर हैं, मैं उनके नीचे मूव कर देता हूँ। अवैस एक ट्रिक है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप ज़रूर इनक्यूबेशन करें, लेकिन अपने जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे निकलते हैं, उनको पेरेंट फीड ज़रूर करवाएं। अब ये आप सोचेंगे कि ये कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पेयर हैं किनोर के। मैंने उन 10 पेयर में से 5 पेयर ने अंडे दे दिए हैं। मैं उन 5 पेयर्स के अंडे उठा के इसके अंदर रख देता हूँ। जब ये निकलने वाले होते हैं तो मेरे पास जो 5 रह गए थे उनमें से भी किसी के अंडे आते हैं, तो इसमें से एक अंडा ऐसा उठा के मैं उस पेयर के नीचे रख देता हूँ जो निकलने वाला है। उसके अंडे फ्रेश उठा के फिर इसमें ले आता हूँ। एक तो उस पेयर का इनक्यूबेशन टाइम बच जाता है। उसके बाद वो पेयर फौरन से बच्चे पालना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो जो बच्चा निकलता है वो डायरेक्ट उसके नीचे बच्चा रखे जाते हैं। एक बच्चा उसके नीचे निकलवाना ज़रूरी है। उसके बाद आप उसके नीचे बेशक 4 बच्चे रख दें, वो सबको पालेगा। जब 4 बच्चे एक हफ्ते बाद इतने इतने हो जाएं, इतना आपने बच्चा रखा, जब इतने इतने हो गए उसके बाद आपने उनको उठा के नर्सरी रूम में ले आना है, और यहाँ पे और निकलेंगे उनको जो है रखते जाना है। तो इस तरह मैं एक पेयर से तकरीबन 30 से 40 बच्चे जो हैं वो पलवा लेता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, इससे जो आप प्रोडक्टिविटी है बड़ी फास्ट कर सकते हैं और इसमें बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है क्योंकि वो पेरेंट फीड ले लेते हैं और जो पेरेंट होते हैं उनके जो मदर के हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं बच्चे को फीड करवा के। आदिल भाई आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है एग फॉर सेल का, इसे आप किस ये चाइना और थाईलैंड में जा रहा है, लोग काफ़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं चूँकि मार्केट थोड़ी सी डाउन है लोकल मार्केट, तो ये है कि जो लोग परचेजिंग इस टाइम करना चाहते हैं मार्केट में हर बर्ड की प्राइस उसकी मार्केट प्राइस पे है, मतलब उसकी प्राइस बहुत अप नहीं है, तो ये बेस्ट परचेजिंग प्राइस है। मैंने बहुत सी चीज़ें इस टाइम परचेज़ की हैं, आपको पता है मैं कॉमन बर्ड्स हैं उसमें काफ़ी लॉरीज अलेक्जेंड्राइन अफ्रीकन ग्रे ऑलमोस्ट मेरे पास एंड हो गए हैं। मैंने जो जो बर्ड जिस तरह ब्रीड पे जाता है अंडों बच्चों पे होता है मैं उसकी पोस्ट लगाता हूँ और फ़ौरन से सेल हो जाती है, तो उसमें यह है कि अगले बंदे का फ़ायदा ये हो जाता है उसको ब्रीडिंग पेयर मिल जाता है और मेरा फ़ायदा ये है कि मैं इसको जो ज़्यादा स्पेशल बर्ड्स में लेके जा रहा हूँ जैसे कि एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं अलेक्जेंड्राइन की मोटेशंस हैं उसमें कलर्ड मोटेशंस ले रहा हूँ, उसके बाद इस तरह के जितने एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं गोल्डन किनोर हैं उनमें इन्वेस्ट किया है, इस तरह के जितने पैरट्स हैं मैंने ज़्यादा जो है मैं नंबर ऑफ बर्ड्स कम कर रहा हूँ लेकिन उसको क्वालिटी ऑफ पैरट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर। आदिल भाई माशाल्लाह से आपका फार्म विजिट किया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, अल्लाह पाक आपके शौक़ को नजर बद से बचाए, आमीन। आदिल भाई सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को जो आपसे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए आप अपनी लोकेशन बता दें। मेरी लोकेशन लाहौर रायवन रोड है जी, और उसके बाद काफ़ी लोग हैं जो मुझे सिर्फ यूट्यूब पे जो है ना सिर्फ रेट के हवाले से ये गपशप करते हैं, मुझे एक मिनट में पता चल जाता है कि किस बंदे ने कुछ लेना है नहीं लेना, और अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बर्ड से रिलेटेड तो मेरे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर किसी को बर्ड चाहिए तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो या कॉलिंग नंबर है वो इससे ऐड कर दीजिएगा। अजीत भाई जिन दोस्तों के सवालात होते हैं सबसे पहले उन्हें क्लियर कर दें, उन्हें यूट्यूब के बारे में बता दें। जी मेरा अदील चौधरी आईवी के नाम से यूट्यूब चैनल है और मैं फेसबुक पे जो भी अवेलेबल हूँ, मेरा पेज है फेसबुक पे अदील चौधरी आईवी के नाम, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास जो ब्रीड आती है मैं वक्तन फक्तन वहाँ पे जो वो लगाता रहता हूँ और वो सारी अवेलेबल होती है। अगर आपके सवाल आते हैं तो आप आदिल भाई को कमेंट करके बता दें, उनके यूट्यूब चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आदिल भाई आप अपना नंबर बता दें। जी मेरा नंबर 0321858505 है। आदिल भाई को परेशान नहीं करना, फजूल मैसेज भी नहीं करना, इस चक्कर में अब हम आदिल भाई को मैसेज करते हैं, आदिल भाई का जवाब सुबह को करते हैं तो शाम को आता है मैसेज ज़्यादा होने की वजह से। आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।